हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ ऐसे मंदिरों की जिन पर पत्थर की मूर्तियां सेक्स के रूप में उकेरी गई हैं। उनके जो बाहरी आवरण है उस पर पत्थर की नक्काशी पर ऐसी कुछ कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख सेक्स मंदिर, भारत की प्राचीन वास्तुकला का एक विविध और जीवंत प्रकृति का प्रमाण है जो प्राचीन मंदिरों और किलों में देखी जा सकती है। वैसे तो भारत में प्राचीन काल के सैकड़ों प्रसिद्ध और मंदिर मौजूद हैं जो विभिन्न विषयंतों से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इन प्राचीन मंदिरों में कुछ मंदिरों में कामुक छवियाँ उकेरी गई हैं जो 13वीं शताब्दी से भी पहले की मानी जाती हैं। इसी वजह से इन मंदिरों को सेक्स टेंपल के नाम से जाना जाता है और मंदिरों की दीवारों पर विभिन्न पदों रूपी और कृतियों की विभिन्न मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये इमारतें भले ही सदियों पुरानी हैं लेकिन वे एक ऐसी जीवन शैली को जन्म देती हैं जो उदार हैं और समाज की तुलना में कहीं अधिक प्रगतिशील हैं। इतिहासकारों का दावा है कि इन मंदिरों का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक यात्रा पर जाने से पहले उनकी इच्छाओं का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करना है। तो सबसे पहले नाम आता है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान, सूर्य मंदिर मोढ़ेरा गुजरात, सत्यपूर्ति पेरूमल मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध सेक्स मंदिर में एक है। खजुराहो प्रसिद्ध 22 मंदिरों का एक समूह है जो विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की जटिल नक्काशी और बेहतरीन कामुक मूर्ति कला किसी भी इतिहास और कला प्रेमी को खजुराहो आने के लिए सम्मोहित कर सकती है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित सूर्य मंदिर देवता सूर्य को समर्पित एक विशाल मंदिर है जो भारत के फेमस सेक्स टेंपल में से एक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक पवित्र स्थान है जिसमें यौन कृत्यों के चित्रण हैं। इसमें बहु विवाह, समलैंगिक संबंध, बहुपत्नी प्रथा शामिल है। मंदिर की अधिकांश मूर्तियों ने अपने समय की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जबकि कुछ अति सुंदर मूर्ति अभी भी संरक्षित हैं जिन्हें मंदिर की यात्रा में देखा जा सकता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर भारत के प्रमुख सेक्स मंदिर में से एक है। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है जो भगवान शिव का ही एक रूप है। 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए इस मंदिर का इतिहास और सुंदर वास्तुकला की वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। वर्तमान में यह मंदिर हम्पी में स्थित है जो प्राचीन और राजसीय विजयनगर साम्राज्य के बीच स्थित एक छोटा सा मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान। जैन मंदिर ऋषभ देव को समर्पित प्रमुख रणकपुर जैन मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में और जैन धर्म के अनुयायियों के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। रणकपुर जैन मंदिर की मुख्य मंदिर और अन्य मंदिरों की दीवारों पर कृत्य करती अप्सराओं की कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं जो प्राचीन कामुक शैलियों को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा मंदिर के मुख्य आकर्षण 1444 संगमरमर के खंभे हैं जिनमें अद्वितीय नक्काशी और आकर्षण डिजाइन देखी जा सकती है जो पर्यटकों और कला प्रेमियों के घूमने के लिए भारत की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। सूर्य मंदिर मोढ़ेरा गुजरात। मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक स्मारक है जो भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ विभिन्न कामुक आकृतियां उकेरी हैं जो अंतरंग कृत्यों में लिप्त
मूर्तियों को दिखाती हैं। मंदिर में प्रदर्शित कामुक आकृतियों ने पूरे विश्व में प्रसिद्धि हासिल की है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सत्यमूर्ति पेरुमल मंदिर। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित सत्यमूर्ति पेरुमल मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बाहरी दीवारों पर कामसूत्र के अध्याय प्रस्तुत करता है। माना जाता है कि इन कामुक मूर्तियों को मंदिर की बाहरी दीवारों पर इसलिए रखा गया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले मनुष्यों को मंदिर के बाहर अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता था। अगर आप भी प्राचीन शैली में उकेरी गई कामुक मूर्तियों से अपने आप को रूबरू कराना चाहते हैं तो आपको सत्यमूर्ति पेरुमल मंदिर घूमने अवश्य आना चाहिए। और अंत में है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित लिंगराज मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में एक है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा जाजती केशरी द्वारा बनाया गया था, जो एक लिंग शैली की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर में रोजाना 6000 से अधिक श्रद्धालु लिंगराज के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो कामसूत्र से प्रेरित हैं, जो विभिन्न कामुक छवियों को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर आप भुवनेश्वर की यात्रा पर निकले हैं तो लिंगराज मंदिर देखना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज जिन मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की उनके बाहरी पृष्ठ पर, मंदिर की जो बाहरी आवरण है उस पर कामुक मूर्तियां क्यों उकेरी गई हैं, ये अभी एक रहस्य का विषय है। इस पर इसलिए हम कोई भी टिप्पणी करने से, अपना मत देने से अभी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। इतिहासकारों का क्या मानना है, लोगों का क्या मानना है, हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ का संदेश ये है कि ये सेक्स एजुकेशन, मतलब पहले कोई माध्यम नहीं था इसलिए इस प्रकार से ये मूर्तियां उकेरी गई हैं। कुछ का मानना है कि मनुष्यों के बीच में जो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये लोभ, ये जो चीज़ें होती हैं उनके लिए उकेरी गई हैं। तो निश्चित रूप से कुछ अभी कहा नहीं जा सकता।